नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा तुमचं आमच्या चॅनल वरती स्वागत आहे. माझं नाव संदीप ठाकरे आणि माय लँड माय प्राईड आमच्या कंपनीचं नाव आहे. आणि आज आम्ही प्लॉट जो घेऊन आलो आहोत तो गहुंजे मध्ये आहे. डाव्या साईडला तुम्हाला दिसत असेल जी पुण्यातली सगळ्यात मोठी आणि लक्झरियस टाउनशिप आहे, जिचं नाव आहे लोधा बेलमोंडो. आणि त्याला लागून आपल्याकडे हे लँड पार्सल आहे. सो टोटल लँड पार्सल हे 55 गुंठ्याचं आहे. ऍज अ ओनर आम्ही स्वतः ह्याच्यामध्ये प्लॉट ठेवत आहोत, कारण हा जो लँड पार्सल आहे त्याच्या तिन्ही साईडला लोधाचं पूर्ण ऍक्विजिशन झालेलं आहे. आणि हाच थोडासा जो पार्ट आहे, शिल्लक पार्ट, हा त्यांनी अजून घेतलेला नाही. आणि ह्या प्रोजेक्टची जी USB आहे ही अशी आहे की इथून तुमचा एक्सप्रेस हायवे जो आहे अगदी हाकेच्या अंतरावरती, म्हणजे 5 मिनिटात तुम्ही एक्सप्रेस हायवेला पोहोचू शकता. गहुंजे स्टेडियम जे आहे ते इथून हार्डली 1-5 मिनिटांमध्ये तुम्ही पोहोचू शकता, ज्याचं अंतर 1 ते 1.5 किलोमीटरचं आहे. त्याच्यानंतर गोदरेजचं जो प्रोजेक्ट आहे मामुडीमधला तोही इथून अतिशय जवळ आहे. सिटी कनेक्टिव्हिटी अतिशय जवळ आहे, मुंबईला जाण्यासाठी सुद्धा रस्ता अतिशय जवळ आहे. सो ह्या प्रोजेक्टचा जो USB आहे, कनेक्टिव्हिटी इज व्हेरी गुड. आणि ऍट द सेम टाइम तुम्ही नेचरच्या जवळ राहिल्याचा तुम्हाला फील इथे मिळणार आहे. नदीच्या जवळ आहे त्यामुळे तो व्ह्यू तुम्हाला आहे. तुम्ही इथं समजा 1-स्टोरी बिल्डिंग बनवली किंवा तुम्ही इथे कंटेनर हाऊस जरी बनवलं तर तिथून व्ह्यू अतिशय मनमोहक व्ह्यू तुम्हाला इथून बघता येईल. इकडे चान्सेस काय लोढा सोबत इकडे JV मध्ये जाऊ शकतो का आपण? इथे चान्सेस असे आहेत, तुम्हाला पाहिजे असेल तर 11 गुंठ्यामध्ये तुम्ही स्वतः डेव्हलप करू शकता. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्हाला लोधा बरोबर जायचं असेल, जावाशी वाटत असेल तर लोधा बरोबर तुम्ही जाऊ शकता. 11 गुंठ्याचा प्लॉट असेल तर समवेअर अराउंड 3.5 ते 4 हजार स्क्वेअर फीटचं तुम्हाला इथे बांधकाम लोढाकडून तुम्हाला मिळू शकतं. सो इन अ वे तुम्हाला इट्स अ गुड बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी असं मला वाटतं. ओके, आणि कुठल्या गावामध्ये येतोय प्लॉट एक्झॅक्ट? गुंजे मध्ये आहे. ऑलरेडी इथं जर बघितलं तर ऑलरेडी 2500 आसपास लोक कोट करतात गहुंजे स्टेडियमच्या जवळ, आणि सिटी पासून अगदी जवळ आहे. बघू शकतो तुम्ही हे लोढाचे पूर्ण टाउनशिप तुम्हाला दिसेल, आणि ते वाढवत चाललेले आहेत. 100 एकर प्लस त्यांचं ऑलरेडी टाउनशिप आहे. या साईडला त्यांचे टाउन हाऊसेस आहेत, आणि जे हायराईज टॉवर दिसतात त्याच्यामध्ये त्यांचे डुप्लेक्सेस आहेत. 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK आहेत. ओके, आणि इकडे साईजेस काय अवेलेबल आहेत? मिनिमम 11 गुंठे तरी मिनिमम मी सजेस्ट करेल, पण अगदीच बजेट कमी असेल तर 5 गुंठ्याच्या आसपास आपण देऊ शकतो. ओके, आणि रेट काय जाईल साधारण? रेट साधारण 1800 ते 2000 आसपास आहे. तुम्हाला व्ह्यू रिव्हर व्ह्यू पाहिजे असेल तर 2000 रेट आहे. थोडा अलीकडे पाहिजे असेल तर 1800 आसपास आपण देऊ शकतो. ओके, सो आमच्या प्लॉटला लवकरात लवकर व्हिजिट करा. इथून जो तुम्हाला फील येणार आहे, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये तर दिसेलच, पण स्वतः येऊन इथं बघितल्यानंतर तुम्हाला व्ह्यूची तुम्हाला खात्री करता येईल. IGR महाराष्ट्रावरती तुम्ही जर डॉक्युमेंट चेक केलं तर आजूबाजूला पूर्णपणे मायक्रोटेक डेव्हलपर म्हणजेच लोधा यांनी अक्वायर केलेला आहे जागा पूर्णच्या पूर्ण. आणि फ्युचरिस्टिक आणि इन्व्हेस्टमेंटच्या हिशोबाने अतिशय उत्तम असा हा प्लॉट आहे. हाकेच्या अंतरावरती तुमचं मुकाई चौक आहे, कॉर्पोरेशन लिमिट अतिशय जवळ आहे. सो लवकरात लवकर तुम्ही प्लॉटला व्हिजिट करा. आणि लवकरात लवकर प्लॉट अतिशय लिमिटेड प्लॉट शिल्लक आहेत. आम्ही स्वतः काही प्लॉट ठेवत असल्यामुळं आमच्याकडे हार्डली 2 प्लॉट शिल्लक आहेत त्याच्यामध्ये. त्यामुळे लवकरात लवकर व्हिजिट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका. धन्यवाद. हॅलो, नमस्कार दोस्तो, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूं. दोस्तो, जैसा कि पहले आपने मेरे वीडियो सीरीज देखे होंगे, आई वॉज टॉकिंग अबाउट गहुंजे पुणे और स्पेशली इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट बिल्डर लोढा मैक्रोटेक लग के जो हमारा पार्सल है. तो एग्जैक्टली मैं अभी डायरेक्ट पार्सल से ही आपको विजुअल दिखा रहा हूँ. यहाँ पे अभी आप देखेंगे रिसेंटली हमने पूरा ये रोड का काम किया है, पूरा मुरुम रोड हमने बनाया है. यही एग्जैक्टली पार्सल है जहाँ पे अभी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है जो मैं आपको पिच कर रहा था. पहले हमारा 1 एकड़ था, नाउ वी आर प्लानिंग फॉर 1.5 एकर. तो थोड़ा सा स्टॉक हमारे पास एक्स्ट्रा आया है एंड कुछ ही चुनिंदा लोगों को हम इसमें ले सकते हैं. यहाँ पे फायदा क्या है, एक तो क्या है कि प्लॉट गहुंजे में विच इज ऑलरेडी अंडर अ PCMC लिमिट, PCMC के मतलब प्रपोज्ड है, अभी आया नहीं है, PCMC को लग के है, PCMC में प्रपोज्ड है.
एक्सप्रेस में गवंजे से जाता है, इंडिया के जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसमें महाराष्ट्र में दो है, वानखेड़े का और एक गवंजे का एमसीए स्टेडियम, जहां पे सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल मैचेस और आईपीएल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लोडा का इतना बड़ा टाउनशिप है और आप देख सकते हैं ये राइट साइड का लैंड इट्स ऑलरेडी एक्वायर्ड बाय लोडा। ऐसा भी नहीं है कि आपको लोडा को दूर कहीं लैंड मिल रहा है, लोडा को लग के लैंड मिल रहा है। ये जो पार्सल देख रहे हैं इसके पीछे भी लोडा ही है, तो अवर पार्सल इज ऑलरेडी सराउंडेड बाय लोडा। और जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया है पहले भी कि वी आर गेटिंग गुड जेवी ऑफर फ्रॉम द लोडा, तो इसमें दो ऑप्शन है आपके पास। जब आप प्लॉट लेते हैं आइदर आप लोडा से फ्लाइट्स ले सकते हैं, आइदर यू कैन सेल इट प्लॉट, जो लोडा के साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है उसमें आपको मल्टीफोल्ड फंड होने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि लोडा का जो मार्केट रेट चल रहा है वहां पे आज की डेट में आप पता करेंगे एक 2 BHK का प्राइस भी 1.25 से 1.5 करोड़ चल रहा है। तो उस प्राइस में यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 10,000 square feet का लैंड, अगर अभी आप आते हैं लाइक इन मंथ ऑफ 15 अक्टूबर के पहले आप आते हैं, तो आपको मिल सकता है 1.5 CR की रेंज में 10,000 square feet। और आप देखेंगे अभी हमारा पूरा रोड का भी काम चालू है, चलिए वॉक करते करते मैं पूरा आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यही है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा जो जिस तरह का मैं अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूँ, मतलब इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर को लग के प्रॉपरली रोड बना के और क्रिस्टल की एक प्रॉपर्टी आपका पूरा 7-12 करके देंगे हम। इनफैक्ट इफ यू वॉन्ट हम लोग आपका लोडा के साथ जेवी भी पूरा एसोसिएट करेंगे, उसमें भी जो भी आपका मीटिंग में हेल्प लगता है वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आप अभी देखेंगे रिटेल, जो रिटेल प्राइस चालू है यहाँ पे दूसरे डेवलपर्स जो बेच रहे हैं ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार रुपए का रिटेल रेट चालू है यहाँ पे गवंजे की अगर मैं बात करूं, और एनएरेरा प्लॉट की मैं बात करूं गवंजे में तो पेरामेल का एनएरेरा प्लॉट दे आर सेलिंग एट 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, और जो ओपन एग्रीकल्चर प्लॉट्स है वो 3 से 4 हजार रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर आप मेरे साथ अभी आते हैं तो मैं आपको कहीं ना कहीं 1800 की रेंज में यहाँ पे दे सकता हूँ। अगर आप 5,000 square feet का भी प्लॉट लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 19x के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह से अभी ये पूरा ग्रीनरी है, इसी में हमारा स्टेक है और आगे का प्रॉपर्टी पूरा लोडा का है। तो मैंने आपको पहले तो गूगल मैप्स में दिखाया है, अभी एग्जैक्ट साइट पे भी आके मैं दिखा रहा हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड है दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, क्योंकि हम लोग भी ज्यादा रुक नहीं सकते हैं बिकॉज वी हैव अ ऑफर फ्रॉम दिस जियान बिल्डर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो क्लाइंट्स हैं दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू सम बिजनेस विद द वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर, तो ये सब चीजें हैं। और यहाँ पे पूरा ये कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन होने वाला है, और आपको जो रियल इस्टेट का जो मेन बेनिफिट डायरेक्ट मिलने वाला है, क्योंकि इतना ओपनली आपको कोई भी नहीं बताएगा मार्केट में कि किस तरह से यहाँ पे एक्विजिशन चल रहे हैं। अभी आप देखेंगे इस साइट का पूरा लोडा ने एक्वायर कर लिया है पार्सल, ये जितना भी आप देख रहे हैं इट्स ऑलरेडी एक्वायर्ड, और इसका प्रूफ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि कितने बड़े बड़े जेवीज लोडा ने किए हुए हैं। ऑल्दो अभी ये रोड हम अपने कॉस्टिंग से कर रहे हैं जस्ट फॉर द विजिबिलिटी और द अप्रोचेबिलिटी ऑफ दिस एरिया, ये पूरा हमने अभी मुरम रोड बनाया है, थोड़ा आगे तक ऑलरेडी कॉन्क्रीट का रास्ता। अभी ये लोडा ने एक्वायर किया है तो ये रोड का स्टेटस बाद में क्या रहेगा? देखिए वंस दिस अगर ये लोडा पूरा एक्वायर कर लेता है तो द डेवलपर विल डिसाइड कि उसको ये रोड का क्या करना है। तब तक तो ये रोड है, ये मंजे एक ये प्राइवेट रास्ता तो है, रजिस्टर्ड रोड है ये। यानी अगर पूरा ही लैंड अगर लोडा ओनर कर ऑन कर लेता है तो देन ही कैन डिसाइड व्हाट एवर ही वांट टू डू। जो लैंड ओनर्स हैं जैसे अगर कोई हमसे प्लॉट लेता है दे विल गेट द फ्लैट्स इन देयर टाउनशिप, बट अगर कोई लेता है तो उसको रोड का एक्सेस हमेशा के लिए रहेगा। यस, अगर एक बायर भी बच जाता है तो उसको एक्सेस रहेगा। ऑलरेडी इसका पूरा लेटर है ग्राम पंचायत का एंड दिस इज समथिंग एक रजिस्टर्ड रोड भी है ये। सो एक गवंजे सांगवड़े रोड है राइट?
यस ओके। और यहाँ से एक्सेसिबिलिटी के मामले में हॉस्पिटल कितना दूर है, क्या क्या नजदीक क्या क्या है यहाँ से? देखिए, ये गवंजे ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया पीसीएमसी की बाउंड्री में जाने ही वाला है, तो मुकई चौक यहाँ से काफी नजदीक है, रावेत का पूरा एरिया एक्सेसिबल है, डांगे चौक द्वाकड़ ऑल आर हार्डली 15-20 मिनट्स की ड्राइव पे है, जो कि अपने आप में इस एरिए को काफी ही लुक्रेटिव बनाते हैं, क्योंकि आपका हिंजेवाड़ी से कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी है, पीसीएमसी से कनेक्टिविटी है, अगर आप ऑटोमोबाइल वगैरह में हैं तो चाकन से भी डायरेक्टली जा सकते हैं, बिकॉज द बिग हाईवे इज गोइंग फ्रॉम द गवंजे ओनली। एक्सप्रेस हाईवे कितना दूर है यहाँ से? यहां से 2 मिनट का भी रास्ता नहीं, और स्टेडियम स्टेडियम अगेन 2 मिनट का भी रास्ता नहीं, एक्सप्रेस वे पे स्टेडियम है। सिम्बोसिस भी यहीं पे नजदीक है क्या? सिम्बोसिस का बहुत बड़ा कैंपस है 25 एकड़ में, जो कि गवंजे केवले में ही है। तो यहाँ से रिवर कितना दूर है? देखिए, ये पार्सल के पीछे पूरा रिवर, ओके। और ऐसा है कि दिस इज समथिंग गवंजे में अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो अभी आज की डेट में प्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है, ऑल दो या तो लोडा वहां पे प्रॉपर्टी ओन करता है या जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो ओन करते हैं, तो उस लेवल का मार्केट गवंजे में आ चुका है, क्योंकि पीसीएमसी में जगह नहीं है, सबको पता है गवंजे विल बी द पार्ट ऑफ पीसीएमसी, सो एवरीबडी इज एक्वायरिंग लैंड इन पीसीएमसी, और अभी लोडा जैसा टाउनशिप भी अवेलेबल है, तो एक आप बोल सकते हो कि चेरी ऑन द केक आ गया है, क्योंकि इतना बड़ा टाउनशिप इतने प्रीमियम रेट पे जब वो फ्लैट बेचते हैं तो अल्टीमेटली पूरे एरिया का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। लगभग 2 BHK का फ्लैट क्या रेंज में जाता है वहां? वहां पे वो 1.25 करोड़ 1.25 से 1.5 करोड़ में बेच रहे हैं 2 BHK। तो आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत इंसाइट दे पाया हूँ, जल्द से जल्द आइए, आप कॉल कीजिए और साइट विजिट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो चाकन से भी डायरेक्टली जा सकते हैं, बिकॉज द बिग हाईवे इज गोइंग फ्रॉम द गवंजे ओनली। एक्सप्रेस हाईवे कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 मिनट का भी रास्ता नहीं, और स्टेडियम स्टेडियम अगेन 2 मिनट का भी रास्ता नहीं, एक्सप्रेस वे पे स्टेडियम है। सिम्बोसिस भी यहीं पे नजदीक है? सिम्बोसिस का बहुत बड़ा कैंपस है 25 एकड़ में, जो कि गवंजे केवले में ही है। यहाँ से रिवर कितना दूर है? देखिए, ये पार्सल के पीछे पूरा रिवर है। ओके। और ऐसा है कि दिस इज समथिंग गवंजे में अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो अभी आज की डेट में प्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है, ऑल दो या तो लोडा वहां पे प्रॉपर्टी ओन करता है या जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो ओन करते हैं, तो उस लेवल का मार्केट गवंजे में आ चुका है, क्योंकि पीसीएमसी में जगह नहीं है, सबको पता है गवंजे विल बी द पार्ट ऑफ पीसीएमसी, सो एवरीबडी इज एक्वायरिंग लैंड इन पीसीएमसी, और अभी लोडा जैसा टाउनशिप भी अवेलेबल है, तो एक आप बोल सकते हो कि चेरी ऑन द केक आ गया है, क्योंकि इतना बड़ा टाउनशिप इतने प्रीमियम रेट पे जब वो फ्लैट बेचते हैं तो अल्टीमेटली पूरे एरिया का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। लगभग 2 BHK का फ्लैट क्या रेंज में जाता है वहां? वहां पे वो 1.25 करोड़ 1.25 से 1.5 करोड़ में बेच रहे हैं 2 BHK। तो आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत इंसाइट दे पाया हूँ, जल्द से जल्द आइए, आप कॉल कीजिए और साइट विजिट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी कुछ ना कुछ नया लेके आया हूँ आपके लिए। कुछ ऐसा लेके आया हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही प्रीसियस चीजें हैं, जो कि मार्केट की इंसाइट्स हैं, आपको नॉर्मली बाहर या किसी मीडिया हाउस के आर्टिकल्स में या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगी। आपको सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ पता भी चलेगा मार्केट किस दिशा में जा रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में। वैसा ही मैं कुछ लेके आया हूं अभी, लोडा मैक्रोटेक डेवलपर, जो कि इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट डेवलपर हैं इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। उनका मार्केट कैप 1.25 लाख करोड़ के ऊपर है। कैन यू बिलीव इट, 1.25 लाख करोड़, वो भी रियल एस्टेट की कंपनी, उनके ऊपर सिर्फ DLF है। उनका बहुत ही रिगोरसली एक्विजिशन चालू है, वो है गहुंजे में, जहां से स्टेडियम, जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जहां से एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है, जहां पे सिम्बोसिस का यूनिवर्सिटी है, और जहां पे ऑलरेडी लोडा का, मैक्रोटेक डेवलपर्स का खुद का पार्सल है, जहां पे उन्होंने टाउनशिप किया है। और वहां पे लकीली रिकॉर्ड 1 एकड़ ऑफ पार्सल, जिसमें हम प्लॉट्स दे रहे हैं, 11-11 घंटे के सिर्फ 4 पार्सल है, जिसमें आपको लोडा से डायरेक्ट JV ऑफर होगा ही होगा। ऑलरेडी हमें उनकी मतलब एक इंक्वायरी आ चुकी है, तो
तो लोढ़ा को लग के है, लोढ़ा इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन बाइंग द लैंड, और ऑलरेडी बड़े बड़े जेवी हो रहे हैं वहां पे 25 करोड़, और जो मैं आपको इंडेक्स दिखाऊंगा आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। अगर आप हमसे 11 घंटे भी लेते हैं तो आपको अच्छा खासा ऑफर लोढ़ा की तरफ से मिल सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। और ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेरी बातों पे बिलीव करना है, आप खुद आइए, साइड विजिट कीजिए और पूरा ओवरलुक कीजिए, आजू में किसका बाजू आजू बाजू में किसका लैंड है, कैसा एक्विजिशन हो रहा है, या आपको डायरेक्ट आप लोढ़ा से भी डायरेक्ट उनके ऑफिस में भी जाके बात कर सकते हैं कि आर दे इंटरेस्टेड टू बाइंग पार्सल इन दिस एरिया। वो आपको बताएंगे कि हाँ वो इंटरेस्टेड है, जैसा कि हमें बताया उन्होंने। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं, मैं चलता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे और आपको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं लेके आया हूं एक इंडेक्स टू, ये है इंडेक्स टू गहुंजे गांव का ही और गट नंबर 315 का, और लेटेस्ट का इंडेक्स टू है, ज्यादा पुराना इंडेक्स टू नहीं है, ये लेटेस्ट का ही इंडेक्स टू है। आप देखेंगे कि इसकी जो डेट है 10/5/2024 मई महीने का इंडेक्स टू है, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट प्राइस, वेदर द टेनेंट चार्जेस द रेंट और द टेनेंट शुड बी सफाइस, इतना उन्होंने माल एक शेतकरी को ऑफर किया है, जो आप देख सकते हैं ये नंबर्स ऑफ शेतकरी के नाम दिए हुए हैं, ये सब आपके सामने, ये पब्लिक डोमेन है, आप भी देख सकते हैं, और ये पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऑलमोस्ट उन्होंने आप देखेंगे जो दिखा रहा है यहाँ पे मार्केट प्राइस जो वो ऑफर कर रहे हैं शेतकरी को, 26,19,44,000, आप देख सकते हैं कि जो डिटेल दी हुई है वही मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। और इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कितनी भरी है, लोड़ा नहीं ऑफकोर्स स्टैम्प ड्यूटी भरी होगी, आप देख सकते हैं 15 लाख, 15 लाख नहीं, 1,57,00,000, 16,700 की स्टैम्प ड्यूटी भरी है। आप खुद सोचिए दोस्तों, 1.5 करोड़ के ऊपर की स्टैम्प ड्यूटी लोढ़ा ने भरी है, और ये पूरा पार्सल 315 गट नंबर का उन्होंने उठाया है, और ये अभी का ही है, ज्यादा पुराना नहीं है, और ऐसे में आपको बहुत सारे दिखा सकता हूं कि उस एरिया में ओवरऑल क्या चल रहा है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग थिंग, मतलब आप समझेंगे, इसको समझने का कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट डील्स हो रही हैं, किस तरह से बड़े बड़े बिल्डर्स जो नामचीन बिल्डर हैं, लोढ़ा इज समथिंग इज अ बिग ब्रांड इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, उन्होंने ये सब जेवी कर रहे हैं। और मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ, लैंड सर्वे सब डिविजन एंड हाउस नंबर, नेम ऑफ द म्युनिसिपैलिटी पुणे, अदर डिस्क्रिप्शन अदर इन्फॉर्मेशन, विलेज मोजे गवंजे तालुका मावल डिस्ट्रिक्ट पुणे, सर्वे नंबर 315, द एरिया ऑफ द ओनरशिप असाइनी इन एरिया 1.28 आर, 1 हेक्टर 28 आर का जगह है, 12,800 स्क्वायर मीटर का जगह है, द नेम ऑफ द असाइनी हु विल बी प्रिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ द लैंड इनकम इज मेंशन इन द सेड ट्रांसफर, द असाइनी विल गिव रेरा नेट एरिया, उनको रेरा का नेट एरिया दिया है 52,745 स्क्वायर फीट विथ 26 ओपन कार पार्किंग स्पेस एज कंसिडरेशन टू द असाइनी, द सब्जेक्ट मैटर वॉज एज अ स्टैम्प ड्यूटी 1,57,60,700 कलेक्टेड अंदर GRN MH, ये पूरा नंबर दिया हुआ है, एंड अदर इंफॉर्मेशन एज मेंशन इन द सेम डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स आप बात को समझिए, मैं आपके सामने क्या इंफॉर्मेशन लेके जा रहा हूं। लोग बोलते हैं अरे यार एग्रीकल्चर लैंड मत लो, एग्रीकल्चर मत लैंड लैंड मत लो, बड़े एरेरा प्लॉट लो, ये आप देखा अपने डॉक्यूमेंट कितने का ऑफर किया है उनको, आपने देखा कितना 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 पैसा उनको मिलने वाला है शेतकरी को, कैन यू बिलीव इट, कितना बड़ा ये एक्चुअली कॉर्पोरेट डील है। इसके ऊपर आप मेरे ख्याल से इसके ऊपर अच्छा डिस्कशन अपना होना चाहिए कि वाई डोंट बाय एग्रीकल्चर लैंड इन द सबर्ब ऑफ पुणे, जहां पे बड़े बिल्डर आ रहे हैं, 26,19,00,000 रुपए, कैन यू बिलीव इट, ये एक डॉक्यूमेंट, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। मैं चलिए दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, अभी ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये मराठी का है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में।
अभी इसका देखिए, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट है। इसमें कितना ऑफर किया है, 25,51,28,000। कैन यू बिलीव इट, 25,51,28,000 के फ्लैट्स ऑफर किए हैं लोढ़ा ने जेवी में, और इसके लिए स्टैम्प ड्यूटी बढ़ी है 1,53,77,00 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी बढ़ी है। और इसका मैं पूरा पता देता हूं। अभी इस सेम सर सेम जो आप देख रहे हो, गट सर्वे नंबर दिया है 357 में, सेम मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। 1 एकड़ का पार्सल है, उसमें ही मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। नेम ऑफ द म्युनिसिपलिटी पुणे, अदर डिस्क्रिप्शन, अदर इंफॉर्मेशन, विलेज गहुंजे, तालुका मावल, डिस्ट्रिक्ट पुणे, सर्वे नंबर 357, यांसी एरिया 7/17, टोटल टोटल एरिया दिया हुआ है कितना उन्होंने, मैं थोड़ा सा उसमें उन्होंने अलग अलग वे में लिखा है तो वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वी विल प्रिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ दिस लैंड इनकम एंड मेंशन इन द सेल डीड ऑफ द ट्रांसफर, द असाइनी विल गिव रेरा नेट एरिया। इनको रेरा नेट एरिया मिलने वाला है 32,585 स्क्वेयर फीट विथ 15 ओपन कार पार्क एज कंसिडरेशन टू द असाइनी, द सब्जेक्ट मैटर वॉज सर्वे नंबर। अगेन ये पूरी डिटेल दी हुई है, कौन सी शेतकरी है, क्या है, ऐसी मल्टीपल डील्स है। अभी ये दो डील्स पे मैंने आपको ऑलमोस्ट, ये कितना था 25 करोड़, और ये कितना था 26 करोड़, 50 करोड़ की मैंने आपको जेवी दिखा दी है। ऐसे मल्टीपल है, अगर मैं दिखाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी इसमें ही सेम गट नंबर 357 में मैं आपको लैंड ऑफर कर रहा हूं। चलिए वो भी मैं दिखा देता हूं कहां पे एग्जैक्टली वो लैंड है। ये आप देख रहे हैं, ये लोडा का पार्सल है पूरा। आप जो देखेंगे, मैं आपको पहले गूगल मैप में दिखा देता हूं। चलिए लोडा पे चलते हैं, लोडा बेलमांडो। ये लोडा आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्सल एक्सप्रेसवे है। ये जो मैंने कर्सर रखा है, दिस इज एक्सप्रेसवे। ये अभी आपको मैं इसमें दिखा देता हूं, ये एक्सप्रेसवे, ये लोडा का एंट्री, ये पूरा टाउनशिप है। और अभी ये पूरा पार्सल में जेवी पे जेवी है, मतलब इतने जेवी है, मैं अगर कम्युनिटी को बताऊंगा तो कहाँ जाएगा ये फिगर, मुझे खुद नहीं पता है। मैंने तो अभी सिर्फ आपको दो इंडेक्स टू निकाल के दिखाए, उसी में 50 करोड़ का जेवी है। कैन यू बिलीव इट, कौन कौन से इंडेक्स टू दिखाए मैंने, एक तो ये 315 गट नंबर का और एक 357 का। आप लुक एट द प्लान, कितने सारे गट हैं और इसमें मेजोरिटी में उन्होंने जेवी किया हुआ है। तो आप बात को समझिए, एज ए इन्वेस्टर आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। यू शुड बाय अ एग्रीकल्चर रेंट, डजेंट मैटर अगर कोई बड़ा ब्रांड है, अगर लोडा है, मैक्रोटेक है, कोल्टे पाटिल है, अगर प्रेस्टीज है, अगर शाहपुर जी है, अगर शोभा है, उनको लग के आप पार्सल लीजिए, कोई इशू नहीं है। और उनको ऑफर कीजिए आप, क्योंकि उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, उनकी जो अमेनिटीज है, उनका जो रेट है पर पर स्क्वायर फीट, वो नेक्स्ट लेवल का है। अभी इन सब में जेवी चालू है ये सारे पार्सल में, और यहाँ पे आपको पार्सल मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मोस्टली लोडा ने एक्वायर कर लिया। अभी हमारा पार्सल है 357 में, जहां पे मैं आप चलो मैं अपना भी आपको इंडेक्स टू दिखा देता हूं। ये मेरा इंडेक्स टू है और ये मेरे पार्टनर जो है संदीप ठाकरे, उनका इंडेक्स टू है। वी ऑल्सो एक्वायर विथ होप कि वी कैन डू सम बिजनेस विथ लोडा इन अ जेवी। ये आप देख सकते हैं, ये हमने 11-11 घंटे के पार्सल किए हैं इंडिविजुअल नाम पे। अभी भी मेरे पास एक पार्सल बचा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा बिजनेस करना है, अच्छा मल्टीफोल्ड करना है फंड को, तो जरूर आप आइए, साइट विजिट कीजिए। एंड सी फ्रेंड्स, वी आर डिफरेंट, हमें हमने 15 साल में जो सीखा है, वी नो द मार्केट, हमें पता है कि मार्केट कैसे काम करता है। नॉर्मल वे में हम काम नहीं करते हैं, हमारा काम यही है कि अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका फंड कैसे मल्टी फोल्ड हो, दैट्स इट। हमें सब तो नहीं पता होगा, वो थोड़ा इगोस्टिक हो जाएगा, बट वी नो द गेम, हमें पता रहता है कि कहाँ पे कौन सा बिल्डर आ रहा है, कहाँ पे क्या एक्विजिशन चल रहा है, कैसे जहां पे जगह लेंगे तो फायदा होगा। तो ये सब मैं हम खुद भी है। अभी ये मेरे पार्टनर के नाम पे आप देखेंगे, संदीप नामदेव ठाकरे, और मैं अपना भी दिखा देता हूं। चलिए
ऐसा नहीं है कि ये पंकज हरिराम बिजलानी या मेरा भी इंडेक्स तो देख रहे हैं, गट नंबर 357। ऑफकोर्स हम भी जेवी कर सकते हैं लोढ़ा के साथ, राइट? तो मैं आपको ऐसे पार्सल दे भी सकता हूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं लोढ़ा अभी क्या रेट में बेच रहा है वहां पे। ये सब इंडेक्स टू है लोढ़ा के, ये अभी देखेंगे। ये गट नंबर किसमें है? गट नंबर 205 में इनके वो बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बंगलोस। मैं आपको दिखा देता हूं गट नंबर 205, गट नंबर यही जो पूरे आप जो देख रहे हैं इसमें 205 भी है। चलिए उनका एक वो देख लेते हैं पहले कि क्या रेट में वो, उन्होंने ऑलमोस्ट 3.5 करोड़, 3 करोड़ 31 लाख में रिसेंटली एक बंगलो दिया है जिसका मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ 32 लाख। तो मार्केट वैल्यू के बहुत प्रीमियम में ये फ्लैट बेचते हैं, कैन यू बिलीव इट, कि थ्राइस, क्योंकि उनकी क्वालिटी वैसी है, उनकी एमिनिटीज वैसी है, दैट्स व्हाई पीपल आर बाइंग। ऑलरेडी उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी गई है 19,87,000। तो ये सब ऑथेंटिक इंडेक्स टू में दिखा रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट ने हमारे लिए अवेलेबल किए हुए हैं। तो आपको इन सबसे समझना क्या है कि भाई मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से बिल्डर का पर स्क्वायर फीट रेट क्या है। हर बिल्डर का पर स्क्वायर फीट रेट अलग रहता है, कोल्टे पाटिल का अलग है, लोढ़ा का अलग है, या फिर प्रस्टीज का अलग है, या फिर शोभा का अलग है। सो यू हैव टू फाइंड आउट, और आपको वहां पे जगह लेनी है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप बिल्डर को जगह दे रहे हैं इन अ जेवी, इट्स अ गुड थिंग ओनली। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास भी पार्सल अवेलेबल है, तो गट नंबर 357 में ही हमारे पास पार्सल अवेलेबल है। चलिए अभी मैं दिखा देता हूं गूगल मैप में एग्जैक्टली कहां पे आता है। अभी आप ये लोडा देख रहे हैं, लोडा का जो ये पूरा टाउनशिप है, इधर हमारे पास अवेलेबल है। और ऑलरेडी पूरा जो लोडा का एक्वायर्ड जगह है मेरे हिसाब से, अभी ये हमारा पार्सल है ऑलमोस्ट, ये आप देख रहे हैं। इसको लग के मोस्टली लैंड लोडा ने ले लिया। ये मैं आपको, आप अभी तो मैंने आपको बहुत सारे प्रूफ दे दिए, आप आएंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। आप अगर खुद का यहाँ पे बंगलो नहीं भी बनाते हैं, आप कुछ डेवलपमेंट नहीं भी करते हैं, आपने अगर उनके साथ जेवी भी किया, तो देर आर ग्रेट चांस कि आपका फंड मल्टीफोल्ड हो जाएगा, क्योंकि उनका आपने रेट भी देखा, उनका रेट मार्केट रेट से काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ एन नंबर्स ऑफ रीजन। उनकी क्वालिटी अच्छी है, या उनकी जो अम्यूनिटीज है, या उनका ओवरऑल बहुत सारे फैक्टर्स है। चलिए मैं उनकी टाउनशिप में भी दिखा देता हूं कि किस तरह का डेवलपमेंट वगैरह। ये पूरा लोढ़ा का टाउनशिप है, ये आप देखेंगे इनका क्लब हाउस है, तो एक अलग लेवल का उन्होंने डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक ही सीट अवेलेबल है 11 घंटे की अभी मेरे पास। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको दूसरे बिल्डर्स के साथ एसोसिएशन में आना है, तो मेरे पास दूसरे ऑप्शन है। बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ लग के मेरे पास जगह है, मेरे पास कोल्टे पाटिल को लग के जगह है, मेरे पास मालपानी को लग के जगह है, मेरे पास दूसरे जो लिस्टेड बिल्डर है उनको लग के जगह है, तो वहां पे मैं आपको दे सकता हूं। तो इस तरह का आपको जेवी कर सकते हैं। तो ये पूरा टाउनशिप है, और भी ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये जो पूरा पैच आप देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ये लोड़ा का पूरा टारगेट है कि ये पूरा पैच को वो अक्वायर करेंगे आज नहीं तो कल। और जिस हिसाब से जेवी मैंने आपको दिखाई भी, जिस तरह के जेवी वहां पे चल भी रहे, तो ये जो पैच है, अभी हम लोग इस पैच को फोकस करते हैं, तो ये पूरा पैच लोधा अभी इसमें इंटरेस्टेड है, जो लेटेस्ट इंडेक्स टू में मुझे दिख रहा है। और जिस तरह के इंडेक्स टू आपको मैंने दिखाया, दो ही मैंने आपको इंडेक्स टू दिखाए, उसी में 50 करोड़ का ट्रांजेक्शन आपने देख लिया, राइट? दिस इज अ पार्सल वेयर लोडा इज करेंटली एक इंटरेस्टेड। बाकी का तो ये इनका ऑलरेडी है ही, अगर मैं इस इन पार्सल की बात करूं तो उनका ऑलरेडी ये पार्सल तो है ही। और फ्रेंड्स, अभी क्या है कि आप सोचेंगे कि हमेशा बड़े प्लेयर के साथ जाना प्रॉफिटेबल सौदा होता है, और ये जो इनका आप देख रहे हो इन एकर्स में, अगर देखें कितने एकर्स की ये टाउनशिप है, ऑलमोस्ट 150 एकड़ की तो ये टाउनशिप मुझे दिख ही रही है, और इधर भी इनका पार्सल है, तो ऑलमोस्ट 180 एकड़ तो ऐसे आ रहा है। और ऊपर से ये जो पार्सल था जो अभी वो फोकस कर रहे हैं, जिसमें उनके बहुत सारे जेवीज हो रखे हैं, आप खुद भी सर्च करते हैं,
कर सकते हैं। मैंने तो आपको हर चीज ओपनली दिखा भी दी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपा रहा हूं आपसे, जो भी है मैंने आपको ओपनली दिखा भी दिया कि एग्जैक्टली उस एरिया में चल क्या रहा है। ये ऑलरेडी 64 एकर्स में उनका फोकस चल रहा है, 180 + 64 240 एकर्स की टाउनशिप हो जाएगी। लोकलिटी की बात करूं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है इधर, फिर ये गोदरेज एंड पिरामिल के प्रोजेक्ट है इधर, ये कोल्टे पाटिल का टाउनशिप है इधर, ये सिम्बायोसिस का टाउनशिप है और सिम्बायोसिस का प्रोजेक्ट है, और ये मोकई चौक। तो ओवरऑल काफी ही अच्छा डेवलप हो रहा है ये लोकेशन, और इस लोकेशन को हमने भी फोकस किया हुआ है, तभी हमें 1 एकड़ मिला, और जहां पे अभी हम लोग कुछ अच्छा सोच रहे हैं बिजनेस का लोड़ा के साथ। तो ये सब फैक्ट्स एंड फिगर थे। चलिए एक बार मैं फिर से आपको इंडेक्स टू, ये डीपी प्लान है, ये डीपी प्लान आपको मैंने दिखा दिया, ये एक्सप्रेस वे, इसके बाद ये यहां से एक्सप्रेस वे जो जाता है, ये जो इन साइड का, ये पूरा लोड़ा को, लोड़ा का जो एरिया और उसको लग के जो एरिया, अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इंडेक्स टू ये सब 357 के इंडेक्स टू थे, और ये हमारे इंडेक्स टू थे, और ये लोडा ने जो 357 में ही 25 करोड़ का स्टॉक उन्होंने ऑफर किया है ये रेस्पेक्टेड फैमिलीज को, और इनका इतना 1.5 करोड़ का स्टैम्प ड्यूटी गया। अगेन ये सब आप देखेंगे, आप खुद भी, यू सी ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल एट पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो ये सब आप देख सकते हैं। और ये सब लोडा के जो इंडेक्स टू है, सब आप देखेंगे 2.25 करोड़, 3.5 करोड़ ऐसे वो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, तो उनका वैल्यू उस लेवल का है। और ये एक 26 करोड़ का जो उन्होंने जेवी किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें हैं जो मैंने आपके सामने आज लेके आया, और तो इस तरह से ये सब चीजें वर्कआउट हो रही है। आपको कुछ डाउट हो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल का ज्वाइन कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, तो आपको और भी इफेक्टिव वे में जो भी आपकी क्यूरीज है सॉर्ट आउट हो पाएंगी। साइट विजिट के लिए आइए, नंबर जो आपको विजिबल हो रहा है, और इस तरह के कुछ अच्छे लैंड इन्वेस्टमेंट कीजिए आप, ताकि हमें भी आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी, और ओवरऑल होता क्या है फ्रेंड्स, नॉर्मल रिटेल क्लाइंट सिर्फ रिटेल में ही फंसे हुए हुए हैं, वो सिर्फ डायरेक्टली फ्लैट लेते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेते हैं, जो कॉर्पोरेट लैंड डील्स हैं उसमें आ नहीं पाते हैं। मेरा मकसद ये है कि जो फायदा जो लैंड एक्सपर्ट उठाते हैं, मैं वो डायरेक्टली एंड यूजर को भी दूं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो 1-2 करोड़ का फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं, वो 1-2 करोड़ की लैंड भी अफोर्ड कर सकते हैं, बट उसमें उनका फायदा बहुत ज्यादा होगा। आपने देखा ना किस लेवल का उन्होंने जेवी ऑफर किया हुआ है। तो ये सब चीजें हैं, आप अगर डायरेक्टली लैंड बाय करेंगे, डजंट मैटर इट्स एग्रीकल्चर लैंड, डजंट मैटर इट्स अंडर विद जोन, इफ इट इज इन अ विसिनिटी ऑफ बिग बिल्डर, आपको अच्छा अप्रिशिएशन आएगा, एंड वी आर विथ यू। अगर आपको कुछ भी हेल्प लगती है, यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन अबो, और आई होप मैं अपने साइड से इनसाइट दे पाया हूं, तो बने रहिए। थैंक यू, अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।